दोस्तों, अगर आप बनाना चाहते हैं एक YouTube चैनल, कमाना चाहते हैं ढेर सारा पैसा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की किस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि कैसे आप अपने एडसेंस अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे आप कमा सकते हैं ढेर सारा पैसा। तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक सेकेंड इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लास्ट तक। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताने वाला हूँ, बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो YouTube का चैनल स्टार्ट करने के लिए जो चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका Gmail अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, Gmail अकाउंट लगभग हम सभी लोगों के पास होता है। अगर आप Android फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर आपका तभी काम करता है जब आपके पास Gmail ID हो। तो Gmail ID आपके पास ज़रूर होगी। दूसरी चीज़ जो है वो एक फ़ोन नंबर, मतलब ऑथेंटिक फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। आपका जेन्युइन फ़ोन नंबर ही उसके अंदर चलेगा, क्योंकि YouTube से उससे रेगुलर आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी एडसेंस अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। जो YouTube से अर्निंग के लिए भी आपके पास एक वैलिड फ़ोन नंबर होना का ज़रूरी है। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने फैमिली में से किसी बैंक अकाउंट को भी उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीडियोस का होना, क्योंकि YouTube एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे। तो वीडियोज़ जो है वो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो शुरुआत करता हूँ मैं Gmail ID से। मान लीजिए ये मेरी Gmail ID है, तो इसमें मैंने पासवर्ड अपना डाल दिया है और मैं इसमें अपना लॉगिन कर लेता हूँ। अभी अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाया है आपको एक डेमो देने के लिए। इसी तरीके से आपको www.youtube.com आपको खोल लेना है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे राइट में, तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस साइन इन पर क्लिक करते हैं, आप अपने उस जीमेल अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। जब इस जीमेल अकाउंट पर आप लॉगिन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। जो मैंने एक डमी ईमेल आईडी बनाई है वो आपकी आ जाएगी। यहाँ पर माई चैनल, अब यही आपका यूट्यूब चैनल है, तो अब इसमें आप YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर दीजिएगा, जो तीसरे नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपके यहाँ पर नज़र आएगा कि यूज़ YouTube एज संदीप डॉट डबास। यहाँ पर अपने चैनल का नाम आप लिख सकते हैं, जो भी आपको चैनल का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं एक कैरियर चैनल चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कैरियर लिख दूंगा। साथ में मैं ऐसा कुछ कैरियर बेस्ट में ऑप्शन लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्रिएट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो अपने नाम से भी चैनल को चला सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे तो नाम जो है वही पुराना आ रहा है, क्योंकि अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अब दोस्तों, आपको दो ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कस्टमाइज चैनल और एक यूट्यूब स्टूडियो। तो सबसे पहले आप कस्टमाइज चैनल पर आप क्लिक कर लीजिए, ताकि आप अपने चैनल का जो है आर्ट या फिर अपने चैनल का जो है प्रोफाइल पिक्चर उस पर लगा सके। तो यहाँ पर आप एडिट का ऑप्शन देख रहे हैं, जिस पर क्लिक करके आप चैनल आर्ट या फिर अपने प्रोफाइल पिक्चर को उसके ऊपर लगा सकते हैं। जो भी आप चैनल का लोगो सिलेक्ट करते हैं वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप ऊपर देखेंगे तो जीरो सब्सक्राइबर और वीडियो मैनेजर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे जैसे आप वीडियो डालते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर काउंटिंग उसकी आ जाएगी। और वीडियो मैनेजर में जो आप वीडियोज़ डालते हैं, उसको आप कैसे उनको ज़्यादा रीच तक कैसे पहुँचा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो इसको हम बैक कर देते हैं। अभी बैक करने के बाद अगर आप देखेंगे, दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब स्टूडियो। यहाँ पर हम YouTube के अंदर दो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, YouTube जो बीटा वर्जन है और दूसरा YouTube जो है क्लासिक वर्जन है। तो इसको गॉट इट आप कर दीजिए। यहाँ पर आप नीचे कर दें तो क्रिएटर जो है स्टूडियो क्लासिक में आप क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है समझना। सो दोस्तों, ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, ये आपका एक डैशबोर्ड है, जो आपके पूरे चैनल का डैशबोर्ड आपको इस अंदर दिख जाएगा। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अपने चैनल को आप मैनेज कर सकते हैं इस पूरे डैशबोर्ड के थ्रू। इसमें अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपको एक चैनल का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये ड्रॉप बॉक्स आपका खुल जाएगा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन आएंगे काफ़ी सारे, जिसमें आप कॉपीराइट स्टेटस देखते हैं, तो यहाँ पर अभी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर आप देखेंगे स्टेटस, तो बिल्कुल ओके चल रहा है। रीज़न ये है कि अभी तक हमने कोई वीडियो अपलोड इस पर नहीं करा है, तो डेफिनेटली इसका जो है स्टेटस ऐसे स्माइलिंग वाला ही आएगा। अब सबसे पहले ऊपर ऑप्शन की बात करते हैं, वेरीफाई। तो यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, और डिफ़ॉल्ट कंट्री जो है वो इंडिया सिलेक्टेड है। अगर आप किसी और कंट्री में हैं, तो आप दूसरी कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दो ऑप्शन नीचे देखने को मिलेंगे, अगर आप टेक्स्ट के थ्रू अपना फ़ोन को वेरीफाई कराना चाहते हैं या कॉल के थ्रू। मान लीजिए मैं टेक्स्ट के थ्रू करता हूँ, तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर जो है इसके अंदर मैंशन कर दीजिए, इसका सबमिट कर दीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ोन के ऊपर एक 6 डिजिट का जो है वेरीफिकेशन कोड आ गया है, जो कि है 481073। ये यूनिक कोड होता है, और हर बारी जो है कोड आपको अलग देखने को मिलेगा। तो जैसे आप इस वेरिफिकेशन कोड को डालते हैं, आपका चैनल जो है वो वेरीफाइड हो जाता है। अब आपका यूट्यूब अकाउंट जो है वेरीफाइड हो चुका है। तो दूसरी चीज़ हमने कर ली कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो हमने वेरीफाइड कर लिया है। अब कंटिन्यू इसको कर देते हैं।
तो अगर आप देखेंगे तो अब अकाउंट जो है वेरीफाइड हो चुका है। नीचे अब हम बात करते हैं कि अपलोडिंग अब इनेबल है, तो हम अपलोडिंग कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन की जो बात करते हैं, जहाँ पर आपकी अर्निंग जो है वो जहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो एलिजिबल है, इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो YouTube की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से आपको जो है कम से कम 4,000 घंटों का वॉच टाइम होना चाहिए 12 महीने के अंदर, या फिर 1,000 सब्सक्राइबर आपके पूरे होने चाहिए। तो जैसे जैसे आप इन टर्म्स को पूरा करेंगे, तो डेफिनेटली आपके चैनल पे जो है मोनेटाइजेशन भी इनेबल्ड हो जाएगी और आप उससे अर्निंग करना भी स्टार्ट कर देंगे। सो क्लिक करते हैं हम स्टार्ट के ऊपर। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको YouTube की जो है प्रोग्राम गाइड की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको दिख जाएंगी। आपको इन सब पे चेकबॉक्स पे आपको राइट का निशान लगाना है यहाँ पर, और उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर आप अपने टर्म्स जो एक्सेप्टेड कर ली हैं, उसके बाद साइन अप फॉर एडसेंस का आपका अकाउंट का जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पे स्टार्ट पे आप क्लिक करते हैं, और इस पे क्लिक करते ही आपको जो है मोनेटाइजेशन का जो है आपको एडसेंस का अकाउंट जो है क्रिएट करने का आपको ऑप्शन दिखने लग जाएगा। और जैसे आप इस पे कंप्लीट करेंगे, अभी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द एडसेंस अकाउंट पेज। अब यहाँ पर अपना अकाउंट जो है चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो कैरियर बेस्ट करके ऑप्शन बनाया था वो आना स्टार्ट हो गया है, तो अब इसको हम चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर YouTube आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देता है कि आपको कोई सजेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं उसको यस कर देता हूँ, क्योंकि नया चैनल है तो आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको सजेशन YouTube की तरफ से आते रहे। यहाँ पर अपनी इंडिया जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपकी प्राइवेसी पॉलिसी एडसेंस की, उसको आप यस कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक कर दीजिए। सो दोस्तों, ये आपका छोटा सा ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आप ट्यूटोरियल को देख सकते हैं एडसेंस की और किस तरीके से आप अपने अकाउंट को यूज़ करेंगे। सो दोस्तों, आपसे एड्रेस आपका पूछेगा और आप उसमें एड्रेस अपना डाल सकते हैं। मैं अभी नॉर्मल एड्रेस इसमें डाल रहा हूँ, जो कि अब बिकॉज़ ये मैं आपको ऑप्शन जो है वो दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सो दोस्तों, आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो बन चुका है। बैंक की डिटेल आपको इसके बाद डालनी होगी। सो दोस्तों, एडसेंस रिक्वेस्ट आपकी चालू हो चुकी है, और इसके बाद आपको एक गूगल की तरफ से जो है यूट्यूब की तरफ से आपको पिन आता है, जो कि आपके एड्रेस पे जो आपने एड्रेस दिया है उसके ऊपर वो पहुंचेगा। वो पिन पहुंचने के बाद आप उस पिन को डालते हैं, ये जो एडसेंस रिक्वेस्टेड जो हुआ है, और उसको करने के बाद आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो आपने एड्रेस दिया है वो बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि उसके ऊपर वो पिन पहुँचेगा, बिना उस पिन के वो एक्टिवेट होना बहुत मुश्किल है। तीसरा, हम सेट मोनेटाइजेशन के प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। स्टार्ट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं किस टाइप के ऐड हमें चाहिए। तो नॉर्मली हमें सभी टाइप के ऐड चाहिए होंगे, तो सभी पे आप चेकबॉक्स लगा दीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। अब जो ऑप्शन की मैं आपको बात कर रहा था, वो YouTube ने अपनी तरफ से चालू कर दिया है कि कितने आपके आवर्स जो हैं वो कंप्लीटेड हो चुके हैं, कितने सब्सक्राइबर आपके कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो होपफुली जल्दी आपके 4,000 जो है वो वॉच टाइम 4,000 घंटों का पूरा हो जाए, और सब्सक्राइबर भी आपके 1,000 हो जाए, ताकि आपकी अर्निंग्स जो है फटाफट स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, इससे अगले स्टेप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम वीडियो मैनेजर में जाते हैं, और वीडियो मैनेजर में जाने के बाद जो आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, वो आपको अभी कोई भी वीडियो नहीं है तो मैं एक डमी वीडियो जो है अपलोड कर देता हूँ चैनल के ऊपर, ताकि मैं उसके आगे आपको डिटेल बता दूँ। और वीडियो अपलोड करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, अपने यूट्यूब चैनल पर ही जाना, मतलब यूट्यूब आप .com जैसे ही खोलेंगे तो आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉग इन है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्रिएट अ वीडियो और अ पोस्ट। तो यहाँ पर आप अपलोड अ वीडियो पर आप जाएंगे। अपलोड अ वीडियो का जैसे ही ऑप्शन आता है, तो आप सिंपली जो आपने वीडियो बनाया है आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपके लिए डमी ये वीडियो बना रखा है, तो इसको मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको जो है वो टाइटल लिखना है, तो मैं बड़ा सिंपल सा इसके अंदर टाइटल लिख देता हूँ अभी, बेस्ट कैरियर टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि जो आपका वीडियो है उसके अंदर डिटेल में क्या आपने बताने की कोशिश करी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेलो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि कैसे आप 12th के बाद अपना कैरियर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है। ये आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन जो है वो आप अच्छा खासा लंबा लिख सकते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन जब भी आप लिखते हैं, तो जब आप YouTube पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ये गूगल की तरह ही काम करता है। तो ये ढूंढता है कौन कौन से कीवर्ड, जब कोई पोटेंशियल जो इंसान जो ढूंढ रहा है ना अपने इसी टॉपिक के बारे में वीडियो को, तो ये कीवर्ड्स को YouTube देखता है और सर्च करके उन वीडियोज़ को ऊपर लेके आता है। तो ऐसे में जो आपने हेडिंग लिखी है और जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आपको 100 वर्ड्स तक का आपको स्पेस मिलेगा, तो आप वहाँ तक लिख सकते हैं। नीचे आप बारी करता हूँ मैं टैग की,
अब गूगल या यूट्यूब तो ह्यूमन नहीं है ना, तो वो टैग्स को पहचानता है, कीवर्ड्स को पहचानता है। तो यहाँ पर मैं वो वर्ड्स डाल दूंगा जिनसे मेरे को लगता है कि जिन कीवर्ड से जो लोग सर्च करने वाले, जैसे मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया, कैरियर लिख दिया, और आपको एक कॉमा लगाना है जिससे वो ये एक ऐसे टैग आपका बन जाए। तो ऐसे आप काफ़ी सारे टैग लगा सकते हैं, 500 वर्ड्स तक की आपके पास इसके अंदर लिमिट होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट और शेड्यूल। पब्लिक का मतलब है कि वीडियो आपका सभी लोग देख सकते हैं, प्राइवेट अगर आप कर देंगे तो कोई उस वीडियो को नहीं देख पाएगा। शेड्यूल भी अगर आप उसको कर देंगे, कभी आप चाहते हैं कि एक टाइम आप रखना चाहते हैं कि डेली आपका 8 बजे, या फिर हफ्ते में आप इस टाइम पे चाहते हैं, या किसी भी टाइम आप चाहते हैं, तो वो टाइम अपना इसके अंदर आप शेड्यूल कर सकते हैं, तो ये वीडियो जो है उसी टाइम पर लॉन्च होगा। प्रीमियर का आप ऑप्शन रख सकते हैं, इसमें रखने से जो है थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो जाती है, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि वीडियो आपका कब आने वाला है, तो प्रीमियर का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं इस ऑप्शन को सजेस्ट नहीं करता हूँ। अब नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कस्टम थंबनेल का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। देखिए थंबनेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप यूट्यूब के वीडियो अपने डालते हैं, क्योंकि जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं हमें सबसे पहले थंबनेल ही नज़र आता है। तो थंबनेल अगर आपका इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर आपने कैची वर्ड लिख रखे हैं, तो डेफिनेटली वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, इंगेज करेगा, तो वहाँ पर लोग टैप करेंगे और आपका वीडियो जो है वो चालू हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थंबनेल बनाने का। मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि थंबनेल अच्छा और अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाया जाए। तो अगर आप अपने कोई कस्टमर थंबनेल जो है बना रखा है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे कर लेता हूँ कि मैं ये कस्टम थंबनेल इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब ये जो है थंबनेल जो है आपका अपलोड हो जाएगा। और थंबनेल की अगर मैं आपकी साइज़ की बात करूँ तो ये आपका 1200, जैसे फाइल इज़ टू बिग आ गया है, तो इसका मतलब ये साइज़ जो है वो यूट्यूब के हिसाब से नहीं है। तो साइज़ जो होता है 1280x720 पिक्सल होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है फाइल उतनी पिक्सल की ना हो। सो अब मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये 1280x720 है, तो आपने देखा होगा पिछले वाला पिक्सल जो था 2560x1440 था, तो ये 1280x720 है, इसको ये सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये ज़रूर लग जाएगा। तो देखिए जो थंबनेल था हमारा लग चुका है। वैसे YouTube आपको ऑटो सजेस्टेड कुछ थंबनेल देता है जो आपके वीडियो के अंदर से खुद ही बन के आते हैं। तो हमारी जो वीडियो है वो लगभग अपलोड हो चुकी है, हम पब्लिश का इस पर बटन दबा देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पूरा वीडियो जो है अपलोड हो जाता है, उसके बाद आपके पास सामने ये ऑप्शन आ जाता है कि आप किसी को अगर ये वीडियो मेल करना चाहते हैं या फिर इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसका लिंक भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन, आप डायरेक्टली अपने लिंक कर सकते हैं अकाउंट्स को, वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। एक मैं एडवांस सेटिंग का आपको ऑप्शन बता देता हूँ, जिस पर आप क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप उसको रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको एजुकेशन में रखना चाहता हूँ, तो एजुकेशन में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ। वीडियो की लैंग्वेज मेरी हिंदी है, तो मैं नीचे से यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ कि हिंदी ऑप्शन, तो यहाँ पर हिंदी आ चुका है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि कौन, अगर आप चाहते हैं लोग कमेंट करें इसमें, इंटरेक्टिव ये बने, तो वो भी आप रख सकते हैं। बाकी अगर आपका एज इनेबल्ड मतलब 18+ का है, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेव चेंजेस का मैं ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, और अगर मैं अब देखूँगा तो मेरे यूट्यूब अकाउंट के अंदर ये वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पर मैं एडिट के ऑप्शन में जाऊँगा, इन्फो एंड सेटिंग में जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। अगर आप अपने वीडियो को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कार्ड डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा अभी और वीडियोज़ नहीं है, तो मैं जो है अभी कार्ड नहीं डाल सकता हूँ। या फिर एंड स्क्रीन में आप बाकी के जो ऐसे, जब वीडियो आपका ख़त्म हो रहा है और आप चाहते हैं कि और वीडियोज़ आपके चैनल के ही और उस पर आ जाए, ताकि लोग इंगेज रहें, एक के बाद एक वीडियो देखते रहें, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। वीडियो मैंने पब्लिक कर रखा है, यहाँ पर मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों वीडियो आपका पब्लिश हो चुका है, और आप बड़े आराम से अब वीडियो जो है लोग आपका वीडियो देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्दी एक फेमस यूट्यूबर बनेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।